शिवाजी महाराज का अपमान आज कोई पहली बार नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार किया गया है। मैं दो उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्य प्रवक्ताओं में एक है सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने क्या कहा था कि सावरकर जी ने जिस तरह से माफी मांगी अंग्रेजों से, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी ने माफी मांगी मुगलिया सल्तनत से। तो ये तो ऐसे अपमान किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके लिए सुधांशु त्रिवेदी पे कौन सा कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, उनको बताना है। उन्होंने तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया वो आज राज्यसभा में जाते हैं। तो ऐसे लोगों को महाराज पे बोलने का हक और हकूक ही नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ, कोई पहली बार ऐसा नहीं है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, सावित्री बाई फूले का अपमान किया, जो यहाँ पहले गवर्नर थे उन्होंने अपमान किया, कई लोगों ने ऐसे अपमान किए। और ऐसा नहीं महाराज का स्टेचू आज बना हो और कल गिर गया। 3600 करोड़ रुपया क्या इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, बनाने में लगता है। और आज एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं मैं उससे बड़ा स्टैचू बनाऊंगा, वो कहां से बनाएंगे? अपने पार्टी फंड से बनाएंगे? कहां से बनाएंगे? ये तो बताइए, करप्शन नहीं है तो क्या है? महाराज के नाम पे भी करप्शन महाराष्ट्र में।